इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा मंदिर है जो केवल दशहरे के दिन खुलता है। साल में एक ही बार यह माता का दरबार लगता है। इस मंदिर के पीछे क्या है कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी के ब्राह्मणपाड़ा में एक अनोखा मठ है। इस मठ के दरवाजे साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन खुलते हैं। हम बात कर रहे हैं कंकाली मठ के। विजयदशमी के दिन तड़के मठ के पट खोले गए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के बाद विजयदशमी के एक दिन के लिए कंकाली माता इस मठ में विराजती हैं। बताया जाता है कि महंत कृपालु गिरी महाराज को सपने में देवी ने दर्शन दिया और तालाब खुदवाने के साथ मंदिर बनवाने का निर्देश भी दिया, जिसके बाद से माता मठ से मंदिर में विराजने के लिए चली गई। लेकिन उन्होंने साल में एक दिन विजयदशमी में मठ में वापस आने का आश्वासन दिया। कंकाली माता के मंदिर में विराजने के बाद से मठ बंद रहता है, लेकिन विजयदशमी के दिन मठ के कपाट खोल दिए जाते हैं। आज विजयदशमी का पर्व है और आज हम राजधानी के ऐसे अनोखे मठ के आपको दर्शन कराएंगे जो साल में सिर्फ एक बार उस मठ के दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जहां पर जो विजयदशमी के दिन जो पट यहाँ पर खोले गए हैं और यहाँ पर जो प्राचीन जो शस्त्र है उसकी आज पूजा अर्चना की जाती है। कंकाली पारा स्थित ये मंदिर है। कंकाली प्रतिमा यहाँ पर जो है मंदिर में स्थापित है और उसी के जो शस्त्र यहाँ पर जो नागा साधुओं के जो शस्त्र है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। क्या इसकी मान्यता है इस पट को लेकर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत है, उनसे बात करेंगे। सर, आज साल में एक बार सिर्फ दरवाजे खुलते, क्या मान्यता है इसके पीछे? का इतिहास करीब 700 वर्ष पहले का है। यहाँ नागा सन्यासी लोग निवासरत थे यहाँ पे। ये कंकाली मठ है और कृपाल जी जो है काली माँ के भक्त थे। वो देवी माँ के आने के पूर्व काली माँ की उपासना किया करते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि सपने में काली माई उनको से उनका दर्शन हुआ और काली माई ने ये कहा कि मैं अमुक स्थान पे हूँ और मुझे लाके स्थापित करो। काली माँ को पूजा अर्चना की तो काली माँ बोली कि विजयादशमी के दिन एक दिन मैं यहाँ पे अस्त्र शस्त्र धारण करके विराजमान रहूंगी। ऐसी परंपरा है, इसकी हम लोग पीढ़ी पर पीढ़ी उसको पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और पट इसलिए बंद रहता है कि माँ यहाँ चली गई तो पट बंद हो गया। अब जब साल में पट बंद हुआ, माँ वहां चली गई, अब जब विजयादशमी के दिन माँ का आगमन होता है तो ये पट उसी उपलक्ष्य में खोला जाता है। मठ की मान्यताओं को देखते हुए हर साल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। लोगों का मानना है कि मठ में आने जाने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही वजह है कि साल में एक बार सजने वाले माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रायपुर से RS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़ की रिपोर्ट।